देखिए, ये हैं संदीप गुप्ता जी, मध्य प्रदेश के रीवा से। एक बात बता देना चाहता हूँ, ये विकलांग हैं, इसीलिए बिस्तर पे लेटे लेटे वीडियो कॉल को अटेंड कर रहे हैं। कल के वीडियो को देख के अमूल बोबडे जी रात के 11:30 बजे एक कमेंट लिखे, वो इनको सैल्यूट कर रहे थे कि इस स्थिति में भी ये चार चार बिजनेस का संचालन करते हैं पूरी हिम्मत के साथ। और सही पूछिए तो आज बहुत लोग आपकी वीडियो को देखे हैं और वे लोग भी आपकी तारीफ कर रहे थे। बताइए क्या समाचार है? सवाल मुझे दिमाग में डाउट हो रहा है। जी ये सवाल कि मुझे जीएसटी लेना, मैं सोचा कल बड़े भैया को बोला आपने कि ठीक है, जीएसटी नंबर ले लें तो कुछ हलुक हो जाएगा क्या? हाँ बिजनेस करने में, हाँ ठीक बात है। जीएसटी नंबर लेने के लिए। हाँ, देखिए, एक चीज़ तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको कोई समस्या आने वाली है। ये जी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। हम आप जितना भी जी माल जी अभी खरीद रहे हैं ना, सही पूछे तो सब पे जी आप जीएसटी दे रहे हैं, सब पे दे रहे हैं। अच्छा अब मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपया का माल खरीदा, तो वे पार्टी जी आपसे 18,000 जीएसटी ले लिया, चाहे दिखा के लिया जी या छुपा के लिया, लेकिन वो ले लिया। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जी जब से जीएसटी लागू हुआ है, बिना जीएसटी के कोई सामान इधर से उधर जा ही नहीं सकता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, वो आपसे मंगा लिया पैसा, अपने पेटीएम में, सेविंग अकाउंट में, इधर उधर मंगा लिया, और वे जी सिर्फ अपने मुनाफे का जीएसटी को बचा लिया, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं किया, अपने मुनाफे के जीएसटी को वो बचा लिया, और जो आईटीसी आपको मिलना चाहिए था वो भी वो मार लिया। दो देखिए, दो बेमानी आपके साथ हो गया। एक जी 1,18,000 जो आपने दिया, उसमें सरकार के तरफ से 18,000 तो आपको वापस आना था, चूंकि आपके पास जी जीएसटी नंबर नहीं था, ये पैसा आपको वापस नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा इस बात को अच्छा और ऐसे समझिए कि फर्क क्या पड़ता है। 1 लाख का माल खरीदे, 1,18,000 दिए, मान लीजिए कि 100 पीस पंखा था, 1180 रुपया एक पंखे का लागत आया, हम 1200 पकड़ लेते हैं, जी खर्चा उर्चा लेके 1200 एक पंखे का लागत आया। आपने उस पंखे जी को बेचा 1300 में, ठीक है, जी जी तो 1200 रुपये लागत में 180 रुपया जीएसटी जो आपने पहले दिया था खरीद के समय, वो आपको रिटर्न आ गया। जी जी वो आप देखिएगा, जैसे महीना अंत होगा, 13 तारीख के बाद 15 तारीख तक वो आपके खाता में, जो जीएसटी का खाता है, उसमें वो आ जाता है पैसा वापस। जी अब वो क्यों आता है? जब आप वो पंखे को 1300 में बेच रहे हैं, तो 100 रुपया पे जो 18 रुपया जीएसटी है, वही आपको कस्टमर से इन एडिशन लेना है, क्योंकि इतना जीएसटी तो आप ले चुके। अब इसको इसका जी हिसाब कैसे करेंगे, उसको ठीक से समझिए। 1300 में जो पंखा बेच रहे हैं, उस पे 18% जीएसटी जी आपको भी चार्ज करना है अगले से। जी अब आप किसी को रेट बोलिएगा 1300 प्लस 18%, 1500, कोई नहीं देगा। आप नहीं सीधे देगा सीधे बोलिएगा, भैया 1500 रुपया का पंखा है, अब उसमें 18% जीएसटी आ गया, कस्टमर से आप जी 1500 पे 18% जीएसटी ले लिए। तो कस्टमर से जो आप अठारह जी परसेंट जीएसटी लिए, वो पैसा आप अपने जेब में रखिए, और जो सरकार ने रिटर्न किया था वो जमा कर दीजिए, और ये जो बीच का डिफरेंस पे 18% जीएसटी आप कस्टमर से लिए, वो मुश्किल से वो अपनी होगा इनकम 20-25 रुपया, उसको भी साथ में जमा कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ को ठीक से समझिए, आपने जो जीएसटी दिया था वो तो आपको रिटर्न आ गया, तो जीएसटी तो आपने दिया नहीं, जैसे माल बिका जीएसटी आपका रिटर्न आ गया। तो जब जीएसटी हम लोग देते नहीं हैं, तो हम लोग लेने में डरते क्यों हैं?
जी, अब मेरा जीएसटी जैसे सर उद्योग विभाग से यामी सिमी बना है, ठीक मेरी है, दुकान रजिस्टर है, यामी सिमी बना है, मैं 1.5 साल हो गया। ठीक बात है, मेरा जो है उद्योग विभाग से यामी सिमी बनवा लिया था, ठीक बात डेढ़ है। सौ लोग है, करेंट अकाउंट जरूर नहीं खुला सर मेरा। अब पहला काम तो कीजिए कि जैसे आप एमएसएमई लिए थे कंप्यूटर वाला से, वैसे ही आप जीएसटी ले लीजिए। ये सब ऑनलाइन व्यवस्था नहीं, है। मैं उद्योग विभाग से लिया था डायरेक्ट जाकर अपने जिला डिस्ट्रिक्ट से, वहां अब ये सब जाने आने से का, लाया। अब आने जाने की कोई कहीं जरूरत नहीं है। अब जीएसटी नंबर ऑनलाइन मिलता है, उद्योग आधार ऑनलाइन मिलता है, आधा घंटा में मिलता है। तो अब आप जीएसटी नंबर में सर लगता है। जीएसटी नंबर में आपका पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, जैसे उद्यम आधार में आपका आधार कार्ड लगा था ना, अब जीएसटी में आपका पैन कार्ड लगेगा। तो जो जीएसटी नंबर आपको मिलेगा ना, उसमें आपके पैन कार्ड का नंबर घुसा हुआ रहेगा बीच में। और उसके बाद जैसे जीएसटी मिल जाए, एक वो भारतीय स्टेट बैंक में जाके करंट अकाउंट खोलिएगा, और कहीं मत खोलिएगा। जब भी खोलिएगा भारतीय स्टेट बैंक में, और उसके बाद सारा कारोबार बैंक के द्वारा कीजिए। देखिए, ऊपर वाले के मेहरबानी से, आशीर्वाद से कोई दिक्कत तो नहीं है, बिक्री की नहीं सर, काम तो कोई चल रहा है। नहीं। इस काम को कैसे मजबूत किया जाए, हम लोग उसी पे ना बात कर रहे हैं कि ये वर्तमान का काम कैसे और आगे बढ़े, ताकि आपके बच्चों को एक मजबूत भविष्य मिले आपके तरफ से। तो वो जो ग्राउंड फ्लोर बनाने का काम है, ये तो आपको करना पड़ेगा। क्या समझे, धीरू भाई अंबानी ग्राउंड फ्लोर बना के गए, मुकेश अंबानी फर्स्ट फ्लोर बनाए, और उनके बेटा लोग बाकी का फ्लोर बनाने में लगे हुए हैं। तो ग्राउंड फ्लोर तो आपको मजबूत ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ेगा, और उसमें ये सब चीज को एकदम हटाना पड़ेगा। जो 2 नंबरी कारोबार है, 2 नंबर का कारोबार का जो एक दाग है ना, उस दाग को धो देना पड़ेगा। और वो जी धुलेगा सर, तभी जब आप कागज पत्तर से मजबूत होंगे, तो कोई आपको हिला नहीं सकेगा। कोई भी आके पूछेगा, भाई आपके पास कितना माल है, तो सर देखिए इतना माल है, माल का बिल है। और एक बात जान लीजिए, जितना माल जीएसटी पे आप खरीदेंगे, उसका जीएसटी बिल पे ही वो माल को बेचना है। ये गलती कभी नहीं करना है कि जीएसटी पे खरीद लिए और 18% बचाने के लिए जो मिला है पैसा, आप कच्चे में माल बेच दिए। तो होगा क्या कि माल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन रिटर्न नहीं आ। रिटर्न नहीं दिखाई देगा। तो सरकारी अधिकारी अगर आपके यहाँ आएंगे, तो देखेंगे कि भैया माल तो है ही नहीं है, आ ये इतना आईटीसी लेके बैठा हुआ है। क्या समझे, तो ये सब गलत काम तो नहीं सर एक करना है। और जानकारी है, एक और जानकारी सर, क्या जीएसटी नंबर से फाइल मिलती होगी वहां से? जैसे हम लोग लोकल बिल बनाकर देते हैं दुकान के नाम से, तो हाँ, एक जीएसटी फाइल मिलती होगी? जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ता है हर महीना। अच्छा अगर आपका कारोबार 2 करोड़ से कम है, तो 3 महीना में एक बार आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका कारोबार 2 करोड़ सालाना से ज़्यादा का है, जो कि जनरली आपकी 4 दुकान है अगर सही देखा जाए, तो 2 करोड़ से चला जाएगा सेल ऊपर, बड़ा बड़ा सामान बिकता होगा, तो टर्नओवर आ जाता है। तो होता क्या है, इसमें हर महीना के 13 तारीख के अंदर में आपको बिल का डिटेल डालना पड़ता है, बिल का फोटो नहीं डालना पड़ता है, बिल का खाली डिटेल। डिटेल में ये नहीं कि कौन कौन सामान बेचे, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सरकार इतने पूछेगी कि कितना का माल बेचे और कितना टैक्स दिए, बस दो ही चीज, और कितना प्रतिशत उसमें टैक्स है। आजकल तो सब 18% के अंदर में आ गया है। क्या समझे, अगर एसी उसी छोड़ दिया जाए, लग्जरी आइटम, तो सब कुछ 18% के अंदर में आ गया है। तो ये डिटेल को अपलोड करना होता है। तो इसके लिए कोई भी अकाउंटेंट को एगो रख लीजिएगा, वो 500 रुपया महीना लेगा आपका, अपलोड कर देगा। और उसके बाद 24 तारीख के अंदर में जो टैक्स का डिफरेंस होता है, जो आप कस्टमर से ले चुके हैं, तो कस्टमर से लिया हुआ टैक्स में और आपका जो 18% आया था, वो दोनों के बीच का डिफरेंस कस्टमर का जमा करना है। अब बाकी कस्टमर का टैक्स अपने पास रख लेना है, जो आप पहले दिए थे। यही हिसाब है।
तो आपका जीएसटी दिया हुआ आपको रिटर्न मिल गया। सर मैं पहली बार लाइफ में अपने, मेरी उम्र अभी 24 साल है, अच्छा मेरी उम्र 24 साल है, मैं अपने लाइफ में पहली बार गुरु आपको माना हूँ। बहुत लाइफ बहुत में धन्यवाद। मुझे कोई काम नहीं सिखाया सर, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ इकोनॉमिक्स से स्कूल जाकर, लेकिन मैं किसी को गुरु नहीं माना, मैं पहली बार आपको गुरु माना हूँ सर, क्योंकि जो रास्ता दिखाए वही गुरु है। देखिए हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं, कुछ लोग को खराब लगता है लेकिन हम हमेशा सही राह दिखाने का काम करते हैं, और जो रास्ता सही जी सर, दिखाता है सर वो हमेशा थोड़ा देर के लिए बुरा बन जाता है। क्या समझे? अब मुझे सर अभी ज्यादा दिन नहीं, मैं लॉकडाउन में अपनी दुकान खोला था ओनली 10,000 रुपए से, 10,000 से मोबाइल रिपेयरिंग किया, फिर इसके बाद टीवी रिपेयरिंग, फिर 2 साल हुआ मुझे पंखा रिपेयरिंग करते, लेकिन मेरी दुकान आज कम से कम नहीं तो 1 करोड़ की है, वाह मैं अपने 10,000 से 4 साल के अंदर किया हूँ बहुत अपने लाइफ में बहुत खुशी की बात है, बिजनेस को। बहुत खुशी की बात है। आप बहुत आगे बढ़िएगा, चिंता मत कीजिए। आपका तारीफ तो लोग मेरे व्हाट्सएप पे करते हैं जब से आप दिखाई देने लगे हैं। मेरी सोच है सारे कि मैं इस दिसंबर के महीने में सीएनसी का मैं अपना खुद 30x30 का रूम बनवा कर और सरकार से रजिस्टर करवाऊंगा उसको अपनी कंपनी के नाम से, एजी फाइन के नाम से चालू करूंगा। बहुत बढ़िया, सब होगा, काहे चिंता करते हो? दिमाग सब में होगा। दिमाग में कभी भी कोई प्रश्न हो ना तो आके 9 बजे पूछ जी लीजिए। हमेशा जान लीजिए, एक से जी सर भला दो होता है। हमेशा कोई भी दो डाउट होता हो उसको नोट करके रखिए कि आज संजीव जी आएंगे, हमको ये बात पूछना है। जी सर, ठीक है, आगे बढ़िए। मैं कल ही भेजूंगा भाइयों को अपने बैंक, तो मैं जीएसटी को पता को ऑनलाइन में भेजूंगा तो जीएसटी नंबर लूंगा, क्योंकि एकदम ले लीजिए, मुझे मशीन भी लाना हो तो मैं जीएसटी से पूरा काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अपनी कीजिए। 24 मेरे सिटी में मेरी 24 दुकानें हैं, मैं सामान उनको देता हूँ रिपेयरिंग का पूरा, टीवी का और बाजा है, टीवी है, फैन है, इनका पूरा रिपेयरिंग का सामान देता हूँ, जैसे पंखी वायरिंग वगैरह सब है सब। अपना जो दिल्ली का माल आता है साहब, मैं 46 रुपए अपने दुकान में एचपी का वायरिंग 61-62 नंबर देता हूँ, हर दुकानदार को देता हूँ, 7 रुपए बुश देता हूँ मैं रेट में देता हूँ, सिर्फ 20 पैसे का धंधा करता हूँ, तो भी मेरा 50,000 का टर्नओवर अभी इस समय हो जाता है। वाह, बहुत खुशी की बात है। देखिए हमेशा मार्जिन कम रख के टर्नओवर पे ध्यान देना चाहिए। काहे बैंक खाली टर्नओवर ही देखता है? आपका इतना धमाकेदार टर्नओवर बैंक को जिस दिन दिखाई देने लगेगा, बैंक आपके साथ पैसे से खुल के मदद करेगा। दूसरा, आप विकलांग जब से हैं। मैं आपसे जुड़े 4 महीने हो गए आपसे जुड़े, लेकिन मैं क्या है कि हर दुकानदार से फोन पे मैं पैसा लेता हूँ, कैश बहुत बढ़िया, बहुत कम लेता हूँ जिसके पास नहीं रहता है, लेकिन फोन पे में सेविंग अकाउंट है अभी मेरा, लेकिन मेरे ही भी सर सिविल स्कोर 850 चलती है, कोई भी बैंक चेक कर ले मेरा सिविल स्कोर 850 है, मैं वाह अपने पूरे परिवार को सिविल स्कोर 850-700 में चलाता हूँ, वाह वाह वाह। देखिए सबके में पैसा करता हूँ रोज डेली का। जैसे स्टेट बैंक में आप करंट अकाउंट खोलेंगे ना, अपने यूपीआई को उस खाता से फिर जोड़ दीजिएगा तुरंत। उसके बाद जितना, मैं भी एक दिन गया था सारी स्टेट बैंक, हाँ मैं एक दिन गया था खुलाने, लेकिन वो बोला कि आपको सेविंग अकाउंट है हाँ तो नहीं खुलेगा, मैं फॉर्म भी जमा किया 2 महीने हो गया, वो आप अभी खाता ही नहीं बंद हुआ मेरा अब एक बात बताइए, सेविंग सेविंग अकाउंट। अकाउंट अपने पास रखे रहिए, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, वो आपका बचत खाता है। आप जीएसटी वो खोल सर्टिफिकेट नहीं खोलेगा सर? काहे नहीं खोलेगा, हम रास्ता बताएंगे। आप खाली जीएसटी नंबर लीजिए, उसका कॉपी, एमएसएमई का कॉपी, और उसके बाद एक मोहर बनवा लीजिएगा फर्म के नाम से। सीधा स्टेट बैंक में जाइएगा, बोलिए मैं चालू खाता खोलना है, 11,000 रुपये से खोलिएगा, एकदम खुलेगा, नहीं का तो सवाल ही जी नहीं है। और अगर वो आनाकानी करें तो सीधे उनके जो ब्रांच मैनेजर होंगे पहले उनसे मिलिएगा, और वो भी आनाकानी करे तो बोलिएगा आपके जी एजीएम कौन है। हर ब्रांच मैनेजर के ऊपर में एजीएम होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसका नंबर ब्रांच में लिखा रहता है, उनका मोबाइल नंबर लिखा रहता है, सीधा उनको मोबाइल वहीं से घुमा दीजिएगा।
कहिएगा सर मैं एक एमएसएमई हूँ, मेरा जीएसटी नंबर है जी और मैं एक विकलांग भी हूँ और एमएसएमई उद्यमी हूँ, इतना कह दीजिएगा उनकी हालत खराब हो जाएगी। और ये जो है मेरा चालू खाता नहीं खोल रहे हैं, जी बोलिए जी मैं एक छोटी सी और जानकारी लेना चाहता हूँ। बोलिए। जैसे अभी मेरी शॉप है, मेरी एमएसएमई जो बनी है माँ वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के नाम से बनी है, लेकिन मैं उसको अपने नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अभी मुझे नया महीना हुआ एमएससी में लिए टोटल, तो माँ वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से मेरा आधार कार्ड लगा है, लेकिन मैं अपने नाम से करना चाहता हूँ। मेरा उसका पर्सनल नाम आशीष गुप्ता है, आशीष गुप्ता के नाम से दुकान चलती है गाँव में, तो मैं उसके नाम से चलाना चाहता आप हूँ। पहले तो आधा ये एमएसएमई में नेम का अमेंडमेंट कर लीजिए, नाम का परिवर्तन पहले वो काम कीजिए, उसके जी बाद उसका नया को प्रिंट आउट निकालिए और फिर उसी नाम से जीएसटी लीजिए। अच्छा, क्या आशीष इंटरप्राइजेस कर कि दीजिए, आशीष गुप्ता है ना, तो आशीष जी इंटरप्राइजेस कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, तो आप इसी वो चेंज हो जाएगा, अभी मैं जैसे कॉल कर रहा हूँ तो चेंज हो सकता है तुरंत नाम तुरंत हो एमएसएमई जाएगा, का। तुरंत हो जाएगा। देखिए आधार नंबर खाली बदलेगा नहीं, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। आधार अच्छा नंबर को छोड़ के, चूंकि आपका आधार नंबर आपके जिंदगी का एक ही आधार नंबर होगा, दूसरा होगा ही नहीं, जी, तो आधार नंबर नहीं और बदलेगा बताओ उसमें मेरा सर 1100 रुपये चार्ज लिया गया था। सर। ये तो फ्री में मिलता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कंप्यूटर वाले ले लेते हैं, अब कोई उपाय नहीं। आप कंप्यूटर वाले से 1100 रुपये कराइएगा, कोई उद्यम आधार के ऑफिस में जाने का, जिला औद्योगिक केंद्र के ऑफिस में जाने का आपको दरकार नहीं है, आप किसी कंप्यूटर क्या वाला के सर पास कि चल जाइए। मैं जानता नहीं था, हैंडीकैप हूं, मैं गया और दलाल लगा, दलाल मिला उससे करवाया, कोई वो बात भी नहीं, खा लिया, वो कोई बात बोला नहीं। इतना देखिए लगेगा आपको। हरिवंश राय बच्चन का एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बात बीत गई ना उस पर चर्चा करके अपने एनर्जी को बर्बाद नहीं करना, आगे बढ़ना है। कल क्या हुआ वो कल की बात, कल खत्म हो गई, अब नया दिन है, आज की बात करना है और कल पे बात करना है। जो बीत गई वो तो बीत गई, जी उस पर छोड़ दीजिए, सर एकदम आगे बढ़िए। कभी कोई दिक्कत जी होगा हम पूरा गाइड करेंगे, डरना नहीं है, याद रखिएगा, कभी भी आप सही हैं तो दुनिया का कोई ताकत बिल्कुल आपको हिला नहीं सकता सर, है। आपकी दुआ हम लोग के ऊपर है तो कौन हिला सकता है, नहीं सर, हम तो आपकी कहे ना कि जब भी कोई दुआ। अधिकारी ज्यादा परेशान करे तो माननीय न्यायालय है, क्या बात करते हैं, और जो सच है उसका साथ जी माननीय न्यायालय हमेशा देता है, भरोसा रखना है न्याय प्रणाली पे। ये भारत है सर, जी भारत की न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है, एक मामूली सा आदमी अच्छे अच्छे को हिला के रख देता है, क्या समझे, मैं जी सर उसका जी जीता जी जागता उदाहरण हूं। ठीक है, जी जी ओके, सर जी नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार, ओके सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ तो ये थे संदीप गुप्ता जी, देखिए मैंने गजब का 10,000 से काम चालू किया और करोड़ों का कारोबार, चार चार भी दुकान, और एक विकलांग होने के बावजूद ये इतना हिम्मत रख रहे हैं आगे बढ़ने की बात करने हैं। एक विकलांग, इसको समझिए, सभी लोग जो एकदम ठीक ठाक हैं वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं, एक विकलांग आदमी इतना ताकत रखता है, समझिए।